हेलो एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज मी योर गर्ल ऋषिका अगेन। सो वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। तो गाइज, आप लोग देख सकते हो आज मैं फिर से बाहर हूँ। तो हमने आज प्लान किया है कि हम लोग लाफिंग खाने के लिए जाएंगे। तो मेरे साथ आज कौन कौन है यहाँ पे देख सकते हो, परुणा एंड नीलम। तो नीलम थोड़ा सा बिजी आज, क्योंकि वो भी व्लॉगिंग कर रहा है, उसकी चैनल को भी गाइज सपोर्ट करना, नीलम ग्लोइंग स्टार। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं 10 मील फाटक। तो क्योंकि लाफिंग तो थोड़ा इससे भी आगे मिलता है, क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, तिरपाई फाटक में मिलता है। तो हम लोग का थोड़ा सा काम है आगे, तो हम इसीलिए जा रहे हैं 10 मील। तो गाइस थोड़ी देर के बाद मिलेंगे, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ 10 मील फाटक। तो ये दोनों जा रहे हैं आगे आगे, क्योंकि इन लोगों का बहुत सारा गॉसिप होता है गाइस। तो अभी देखते हैं। हम लोग यहाँ पे आए हैं दुकान में कुछ ख़रीदने के लिए। तो नीलम वहाँ अंदर कुछ खरीद रही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो मैं यहाँ पे थोड़ा बैठी हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है आज कालिम्पोंग में। तो व्यू दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। तो गाइज आप लोग देख सकते हो कालिम्पोंग 10 मील फाटक। तो यहाँ से नीचे आपको सेवा सदन हॉस्पिटल जाना है, तो यहाँ से नीचे भी जा सकते हो। तो यहाँ पर भी है नर्सिंग होम। तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है आज गाइस, देख सकते हो आप लोग मेरा हालत। नीलम बहुत ही ज़्यादा पागल हो चुकी है, क्योंकि उसने अपना फ़ोन भूल रखा था दुकान पे, तो आ रही लेके। देखो गाइस इसका हालत। नीलम का काम ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था उसका काम में। तो अब हम जा रहे हैं लाफिंग खाने के लिए। लाफिंग खाने के लिए तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कालिम्पोंग का फेमस फूड लाफिंग। तो यहाँ पर ये दोनों आ रही, देखो गाइस। तो इसका कुछ ऑफिशियल काम था, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा। तो अब हम जा रहे हैं लाफिंग के लिए। तो जो मिलता है आप लोगों को 10 मील साइड में, सो तिरपाई का जो रोड, अगर आप कालिम्पोंग से बिलोंग करते हो तो तिरपाई का जो रोड है ना, उसके थोड़ा सा नीचे में मिलेगा आपको लाफिंग। तो लेट्स सी गाइस वहाँ जाके क्या होगा। तो ये लोगों को देखो गाइस, ऑफिशियल काम में कितना टाइम लगा बोलो। अरे यार लेट हो गया ना, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा, इसका कुछ काम था गाइज। तो आप देखेंगे वहाँ जाके, तो हम लोग आपको भी दिखाने वाले हैं। वो कर गया तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, नीलम बहुत ही ज़्यादा बिजी है, क्योंकि ये भी अपना ब्लॉग में व्लॉगिंग कर रहा है, तो थोड़ा सा बिजी है गाइज। तो आप हम जाएंगे, तो ये आप देख सकते हो कोरोना इसलिए बिजी। तो आप हम पहुँचे हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के आगे। तो आप थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले हैं लाफिंग दुकान, तो वहाँ जाके खाएंगे, आपको भी दिखाएंगे। स्टे ट्यून्ड। प्लांट सेल भयो नि त। लाफिंग दुकान। तो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे तिरपाई रोड। तो वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे लाफिंग है या नहीं। तो है तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, अगर नहीं है तो क्या करें। कल ना बोल, कितना एक्साइटेड है तू? एक्साइटेड बट इट्स टू स्पाइसी। या स्पाइसी, तो स्पाइसी खाने में तो बहुत ही ज़्यादा वो मिलता है ना गाइस। तो आप लोग देख सकते हो, तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। मिलेगा आपको 10 मील रोड में, जो तिरपाई रोड जाते हैं ना, उसके थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे मिलता है लाफिंग। तो अब देखेंगे यहाँ पे है या नहीं। तो गाइस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। हाय, ठीक है जाओ सिट। सो गाइस वी आर जस्ट एंटरिंग हियर। तो जाके जाना पूछना गर्ल्स आर लिटिल बिट नर्वस, बट हम अभी भी जाके देंगे लाफिंग। झोल वाला होइन, दुई दुई प्लेट भन्दा अन्त भइहाल्छ नि।
झोल वाला। तो गाइस हम खाने वाले आज झोल वाला लैफिंग। तो करुणा कितना एक्साइटेड हो तुम? मुझे स्पाइसी ज़्यादा पसंद नहीं है, बट आई विल जस्ट ट्राई। यस लेट्स सी। सो गाइस दिस इज़ द प्लेस वेयर यू कैन गेट लैफिंग। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कुछ इस तरह का। बेसिकली इट्स उयो के भन्छ भोटानिस डिस है। सो ऋषिका तुम कैसे एक्साइटेड हो? मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ना, इसीलिए। और बताइए ये प्लेस के बारे में। ये प्लेस आपको मिल जाएगा, लोकेशन आपको तिरपाई रोड से थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। बाहर में ही बोर्ड पड़ा है तो आपको इजीली दिख जाएगा। मीनम इज बिजी। एज यू कैन सी गाइस दिस इज वेरी। गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लैफिंग का रेसिपी कुछ इस तरह का है। तो दीदी यहाँ पे सेल कर रही है, आप लोग देख सकते हो। हामीले चाहिँ कालिम्पोङमा धेरै जग्गामा ट्राई गरे तर यहाँ दी इज काइन्ड अफ भुटानिस डिस राइट। दी भुटानिस डिस है भुटानिस टिबेटन ड्रिस डिस। तो कालिम्पोङ में आपको सबसे अच्छा लैफिंग यहाँ पे ही मिलेगा। गाइस विजिट कर लेना। हमने ना बहुत ही ज़्यादा ट्राई किया यहाँ पे। ना इट्स ओके है ना, कैसे है ना। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दीदी बिजी होके बना रही है लैफिंग। तो ये सूप वाला है। जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ रेडी गरम भयो। यहाँ पे आ चुका है तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी लैफिंग कुछ इस तरह का। देखिएगा आप लोगों को ये झोल वाला है ना, झोल लैफिंग। तो आपको सूखा भी मिल जाएगा यहाँ पे। नीलम को देखो गाइस ये झोल लैफिंग है। आपको यहाँ पे सूखा लैफिंग भी मिल जाएगा, बट मुझे पर्सनली झोल वाला ही पसंद है तो आई चूज दिस। तो गर्ल्स आर रेडी टू इट। करुणा को देखो ये थोड़ा सा आज बीमार है। नीलम तो देखिए ये देख नहीं रही है, सिर्फ खा रही है। गाइस टेस्ट इज टोटली डिफरेंट। अगर आपको स्पाइसी खाने का मन किया तो यहाँ पे विजिट करना। How are you feeling? It's good. Not too spicy. The khatta type ka hota hai na, waisa hi hai. I like it. Yahan pe busy hai guys. मलाई पनि फास्ट लसनमा खाँदै गर्दा हाल्नु मन थियो कि। मेरो त यहाँभरि आयो झोलहरू सबै खाँदा उछिटेको टाइपको।
वीडियो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है गाइस। मैं भी खा रही हूँ। और नाम खा दे समझ ना हो। मैं फिंगो जोल ना हो ची मोमो वाव। सो नाइस। हेवन। हेवन मैन या ना वो हेवन। क्या ना इसका हेवन। हमने लेफिंग खा के हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमने लेफिंग और टी मोमोज खाए थे, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गर्ल्स आर लिटिल बिट बिजी बिकॉज नीलम इज आल्सो फिल्मिंग फॉर हर यूट्यूब चैनल। तो करुणा तुमको कैसा लगा, हाउ यू फील? आई एम फीलिंग सो स्पाइसी। नॉट स्पाइसी, आई जस्ट एट सम टी मोमो। She is just taking tea momo and we are having laughing plus tea momo. So yeah, I bhane chha tapailai regret hune chaina. You guys are never regret to visit this place. So guys, ab hum log ja rahe ghar. To tirpai phatak ko chhamai cha. So I have already told you guys the location. To location yahan pe kahan pe maine aap log ko already bata diya hai. To zarur aap log Kalimpong se belong karte ho to zarur yahan pe visit karna, aap logo ko pata bhi hoga. आई थिंक सो। तो आप लोग कलिम्पोंग से बाहर से आ रहे हो तो यहाँ पे विजिट करना फॉर स्पाइसी डिलीशियस फूड। तो आप जा रहे हैं घर तो गाइस यहाँ पे ऑनेस्ट रिव्यू हो रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। इस आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो हम लोगों ने आज खाया था टी मोमो एंड लेफिंग। अगर आप लोग कलिम्पोंग से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को पता होगा लेफिंग कहाँ पे मिलता है। तो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी था, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। एंड गाइस आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। तो आप, मैं घर जाने वाली हूँ, तो मेरे बैक कैमरा में फिल्म कर रही करुणा। तो गाइस मैं थोड़ा सा टायर्ड देख रही हूँ, तो आप लोग माइंड मत करना क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो गाइस यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को कौन सा वीडियो देखना है। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड गाइस लास्ट में मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, आई एम वेरी क्लोज टू 1K सब्सक्राइबर। तो गाइस प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, लव यू ऑल।